good morning dear student and welcome back to my youtube channel let's discuss dear student today we will going to discuss class 9th subject english and worksheet number 5th and this worksheet for 17th of april 2021 so dear student ask padhenge article so let's begin article a word used to alongside a noun To indicate the types of reference being made by noun, it may indicate number or volume. यानी कि noun के साथ जो use होने वाले जो sandarbh के प्रकार को जो दर्शाता है संज्ञा के साथ यानी नाउन के साथ जो प्रयुक्त होने वाले ये संख्या जो कि नंबर में होगा या फिर क्या होगा वॉल्यूम में होगा या फिर नंबर में होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिकल्स कितने दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल और सेकेंड वन इज इन आर्टिकल तो वाई इन लार्ज आर्टिकल क्या होता है इट मे इंडिकेट नंबर ये आर्टिकल आपको नंबर इंडिकेट करता है एंड वॉल्यूम को ठीक है तो आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं एक डेफिनेट आर्टिकल जिसके अंदर में द आता है एंड इनडेफिनट आर्टिकल ए एन आता है अब द को दी का पढ़ते डेयर स्टूडेंट इसको समझ लीजिए जब भी वॉवल आएगा वॉवल साउंड आएगा आप सभी को पता है वॉवल साउंड वॉवल क्या है जो ए आई ओ यू जब भी ये बाबल साउंड आएगा तो इससे पहले जो हम यूज़ करेंगे द या दी तो उसमें हम दी पढ़ेंगे उसको ठीक है जैसे कि जैसे कि आप एप्पल लिखा हुआ है ठीक है तो आप द एप्पल नहीं पढ़ेंगे दी एप्पल पढ़ेंगे ठीक है तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए दी एप्पल पढ़ेंगे ऑरेंज है ठीक है तो ऑरेंज है तो एन ऑरेंज तो होगा ही ठीक है लेकिन दी एप्पल पढ़ेंगे तो जब भी आपका द और दी का साउंड का मैं क्लियर कर दिया कि जब भी ए आई ओ यू ये वावल साउंड जो रहेंगे ना वावल साउंड उससे पहले अगर द यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम दी पढ़ेंगे ठीक है और जैसे कॉन्सोनेट जैसे बुक है द बुक होगा ना कि दी बुक होगा राइट right? तो आई होप यू गॉट इट ए एन हैव द सेम मीनिंग ए और एन का मीनिंग सेम होता है द डिफ्रेंस डिपेंड्स ऑन द साउंडस हम जब भी आर्टिकल यूज करते हैं डियर स्टूडेंट तो यू शुड रिमेंबर हम साउंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज साउंड ही हमें क्लियर कर पाता है जो हमें कहाँ ए एन लगाना है और कहाँ ए लगाना है और कहाँ ठीक है कैसे लगाना है वे इन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कंसोनेंट साउंड वहाँ ए लगाएंगे जब उसके बाद जब कोई कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है वहाँ ए लगाते हैं ठीक है जैसे यूजेस ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन यानी ए को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के पहले और जब कंसोनेंट साउंड जो है ना क्या वेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कंसोनेंट साउंड वहां पर हम ए यूज करते हैं जैसे ए बॉल ट्री अ बुक ठीक है और बुक अ कार अ डॉग अ ट्रक अ लेमन और अ फ्रॉग जबकि ए एन इज़ यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ ए वाउल साउंडस फॉर एग्जाम्पल ए एन एन एप्पल एन अम्बरेला एन आर ठीक है तो ए एन एन आर इन डिफिनिट आर्टिकल ये इन डिफिनिट आर्टिकल होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड्स वेन द नेक्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विद द वाउल साउंड ए एन एन एप्पल एन एग एन इंसेक्ट एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला और एन एक्टर तो डीड स्टूडेंट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ए का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं ठीक है और जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है कंसोनेंट साउंड से तो वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं जबकि ए एन का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं वॉल साउंड के फॉर्म में जैसे वॉल साउंड हमें साउंड पर डिपेंड होगा ठीक है साउंड पे ऐसा नहीं है जो ए ई आई ओ यू आई साउंड होना चाहिए वॉल साउंड का अ का ठीक है अ आ ई ई ए आई ओ औ अंग ये सारे जो है ना वॉल साउंड है ठीक है आप वैसे भी जा सकते हैं और चलिए तो अब हम आगे देखते हैं जैसे कि के बी केयरफुल ठीक है ए हाउस एन अंकल बट एन आर एन आर यहाँ लगेगा क्योंकि ये अ का साउंड हो आ रहा है यहाँ ठीक है एन आर तो इसीलिए यहाँ एन लगेगा लेकिन एन यूनिवर्सिटी तो यू है तो ये ओ का साउंड नहीं है ठीक है डैट मीनस यहाँ ए लगेगा तो देखिए द साउंड ऑफ द लेटर इज इंपोर्टेंट साउंड का लेटर इज इंपोर्टेंट यानी साउंड इम्पोर्टेंट होता है लेटर में द एच एट द बिगनिंग ऑफ द आर इज साइलेंट द यू एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू दिस रूल्स अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए और एन इन क्लूडिंग दर्ब जैसे ए क्लाउडी डे जैसे ए वेरी क्रेजी पर्सन एन ईजी लेसन एन इंटरेस्टिंग क्लास राइट अब डी रे स्टूडेंट इसमें हम देखेंगे जो क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए और एन ए और एन से फिल करना है ये सारे ब्लैंक्स को राइट आई हैव एन यहाँ पे एन आएगा आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग सी इज रीडिंग एन ओल्ड बुक यहाँ एन आएगा एन ओल्ड बुक दे हैव गॉट एन आइडिया एन आइडिया आएगा यहाँ ठीक है उसके बाद राहुल हैज डैश मूल ऑन द ए मूल होगा राइट ए मूल ऑन हीज राइट चेक द गर्ल्स इज ए पायलेट इट टेक्स मी एन आर एन आएगा रीतू हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस माय कजन इज ए डॉक्टर माय फादर इज एन ऑनेस्ट मैन एंड पिकासो वाज एन आर्टिस्ट ये लगेगा चलिए इस बार एक बार इसका आंसर देख लेते डी डे स्टूडेंट चलिए तो हमने आंसर लगा दिया इसमें आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग सी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक सी इज रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक दे हैव गॉट एन आइडिया राहुल हैज़ ए मोल ऑन हीज राइट चेक द गर्ल इज ए पायलट इट टेक्स मी एन आर टू गेट टू स्कूल एंड नेक्स्ट वन इज रितु हैज़ ए ब्यूटिफुल ड्रेस

पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट पिकासो वॉज एन आर्टिस्ट तो आई होप यू गॉट इट तो आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखना डे स्टूडेंट जब भी ओ आ ई ऊ ए आई ओ ओ अंग यानी इलेवन साउंड होते हैं ना सोर वन उसमें हम ए एन यूज करते हैं बोल करके आप देखेंगे तो आप यूज़ करेंगे ठीक है और बाकी हम यूनिवर्सिटी में नहीं किए हम यूज़ ठीक यूज है क्योंकि यू से है और यू एक वॉल साउंड है वॉल है, है इसीलिए हम, हमने ही यूज़ किए बट कोई बात नहीं चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स लॉट अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को लाइक की कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए थैंक यू थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग